हेलो एवरीवन, रितु खन्ना गुड लाइफ में आपका स्वागत है। आज मैंने बनाया है साबूदाना वड़ा। इसकी रेसिपी शेयर करने से पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उन सब लोगों के लिए जो अपनी कड़ी मेहनत से हमारे लिए इतना शानदार अनाज, फल और सब्जियाँ ग्रो करते हैं। और साथ में मैं कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, हमें उतना ही खाना खाना चाहिए जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक खाकर हम अपना और इस सृष्टि का नुकसान करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं कि वड़े कितने शानदार बने हैं। अंदर से एकदम सॉफ्ट हैं और बाहर से एकदम क्रंची, और मैंने इन्हें काफ़ी कम ऑयल में बनाया है। तो आइए, इसकी रेसिपी अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए मैंने एक कटोरी भीगा हुआ साबूदाना लिया है। ये भीगा हुआ साबूदाना है जिसको मैंने 6 से 7 घंटे पहले भिगो दिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक उबला हुआ आलू, और उसको मैंने मैश कर लिया है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, मूंगफली 2 बड़े चम्मच, ये भुनी हुई मूंगफली है और इसको मैंने क्रश कर लिया है। साथ में 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच हरा धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला, इन सब चीज़ों को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब मैं इनके छोटे छोटे बॉल तैयार कर लूँगी। ये देखिए, मैंने एक छोटा सा बॉल तैयार कर लिया है। अब मैं इसे सारे बॉल तैयार कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सारे बॉल तैयार करके रख लिए हैं। अब मैं अप्पा पैन में ऑयल लगा रही हूँ और इन सारे वड़ों को मैं इनके अंदर डाल दूंगी। ऊपर से मैं थोड़ा सा और ऑयल लगा रही हूँ, ब्रशिंग कर रही हूँ ऑयल से। अब 4 मिनट के लिए मैंने ढककर पकाऊंगी बिल्कुल धीमी आंच पर। 3 से 4 मिनट के बाद हम इन्हें चेक करते हैं। पहले हम हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं। अब हम इनको पलट रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ से सिक चुके हैं और बड़े अच्छे सिके हैं। अब हम दूसरी तरफ से भी इनको सेक लेंगे और उसमें भी 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। हमने फिर से ढक दिया है। तो फ्रेंड्स, हमारे साबूदाना वड़ा तैयार हैं जो हमने एकदम कम ऑयल में तैयार किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं दोबारा से वड़ों को इसमें बना रही हूँ। जो बाकी बचे हुए हैं उनको भी मैं ऐसे ही 3 से 4 मिनट के लिए दोनों तरफ से सेकूंगी और हमारे वड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, साबूदाना वड़ा बनकर तैयार है, एकदम कम ऑयल में बने हुए। तो आप इनको व्रत में भी बना के खा सकते हैं। तो हमारे साबूदाना वड़ा तैयार है, अब मैं इनको सर्व करती हूँ। आप इनको हरी चटनी और किसी भी प्रकार की सॉस के साथ खा सकते हैं, जो खाने में काफ़ी मज़ेदार लगते हैं और ऑयल भी इनमें काफ़ी कम लगता है। तो आपको यह रेसिपी और वीडियो अच्छी लगी होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। थैंक यू।